हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टैग ब्रिंग में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने क्रोम ब्राउज़र में जीमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे क्रोम ब्राउज़र में एक से ज़्यादा जीमेल आईडी लॉगिन हो रखे होते हैं और हम चाहते हैं कि हम किसी दूसरे जीमेल आईडी से अपने क्रोम ब्राउज़र में लॉगिन करें, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखना होगा, जिससे आप बड़े ही आसानी से अपने क्रोम ब्राउज़र में जीमेल आईडी को चेंज कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर अपनी जीमेल का लोगो नज़र आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिंक ऑन का, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सिंक आउट एंड टर्न ऑफ सिंक, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा आपको टर्न ऑन सिंक का, इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको एक ये एरो का निशान नज़र आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जितनी भी आपकी जीमेल आईडी लॉगिन हो रखी हैं वो सभी यहाँ पे शो करेंगी, उसमें से आपको एक ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी है जिस पे आप अपने क्रोम ब्राउज़र को लॉगिन करना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पर ये वाली ईमेल आईडी को सिलेक्ट करता हूँ और फाइनली आपको नीचे यस आई एम पे क्लिक करना है। यस आई एम पे क्लिक करने के बाद कीप माई डाटा सेपरेट, इस पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप देखते हैं कि हमारी जो ईमेल आईडी है वो चेंज हो गई है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।